सर ऐसे पाकिस्तान से तो हमारे फादर हाँ हाँ वो बीबी गुलाटी आए थे जब पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान में, जब वार हुई थी 1947 में, 1947 में पार्टीशन हुए थे, तो हम लोग सीधा पाकिस्तान से आए थे हम लोग भिवानी। भिवानी भिवानी अच्छा सर। भिवानी आने के बाद हमारे फादर ने बड़ी स्ट्रगल करी। हमारे फादर फैमिली में सबसे बड़े थे अपने भाई बहनों में, ठीक है सर। उन्होंने सब भाइयों को सेटल किया, बहनों की शादी वादी करवाई, खुद भी पढ़े, और फिर हम लोग 1965 में फरीदाबाद में आए। मेरा जन्म चेन्नई में हुआ 1965 में। मेरा पहला जन्मदिन फरीदाबाद में मनाया। मैं इंडस्ट्री में 1983 में मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करी अपने फादर और अपने। 1994 में मैंने अलग कंपनी एक फ्लोट करी जिसको सिर्फ मैंने ही देखा, और उस टाइम कंपनी का नाम था गुलाटी इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, और हमने 2004 में आके 2005 में आके इस कंपनी का नाम ओमेगा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। मैंने 94 में फैब्रिकेशन का काम ही शुरू करा था। 2000 में हमने CO2 प्लांट की कोलैबोरेशन करी अमेरिकन कंपनी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट। 2004 में हमने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाने शुरू करे ओमेगा के नाम से। आज की तारीख में हमारे 24 सेक्टर में फैक्ट्री है फरीदाबाद में, कालेआम हिमाचल में भी है, हिमाचल में भी हम क्रेन वहां बनाते हैं। विदेश यात्रा बहुत करी है जी। कौन कौन से देश? सारे ऑल ओवर वर्ल्ड घुमा हुआ। कौन सा देश आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? कौन सा देश इंडिया के बाद आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? चाइना। वो इसलिए अच्छा लगा कि हम लोग इतने साल हो गए हमें इंडिपेंडेंट हुए, हम लोग इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाए। वो लोग वो उनकी प्रोग्रेस स्टार्ट हुई 1995 में, और वो आज हमसे 50 साल आगे निकल गए। हम इतने सालों से 1947 में हम लोग पाकिस्तान से आए, और आज वहां पे रोड पे भी मैंने देखा, रोड पे जो पार्टीशंस हैं वो स्टेनलेस स्टील के लगाए हुए हैं, और हम लोहे के लगाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर आज हमने 150 रुपए किलो का माल लगाया है, तो आज के 15 साल बाद हमें अगर ये स्क्रैप में बेचना भी पड़े तो हमारे घर 250 रुपए किलो आ जाएंगे, और हमारा लोया 40 रुपए किलो का लगेगा तो वो 5 रुपए किलो का नहीं बिकेगा, क्योंकि वो जंग खा चुका होगा, गल चुका होगा। उन लोगों का सोच ही अलग है। वो सोचते हैं आज से 50 साल आगे का फ्यूचर, और हम सोचते हैं आज से 2 साल तक का फ्यूचर। अब ये बातें मैंने कितनी दफा MCF के कमिश्नर्स को भी कही है, ये कहा है कि जी रात को फॉरेन कंट्री में रोडे रात को बनती है, हमारे यहाँ रोड शुरू होगी दोपहर को 3 बजे के करीब, तब की छुट्टी का टाइम होता है 5 बजे, तो सारी ट्रैफिक भीड़। अरे ये क्या ढंग हुआ? आप शाम को बल्कि रात को रोडे बनाओ, ठंडा अच्छा मौसम होता है गर्मियों के दिनों में, और रोड भी अच्छी बनेगी, कोई ट्रैफिक नहीं होगा जाम। जो हम लोग अच्छी अच्छी राय देते हैं उसमें से कुछ राय हमारी गलत है, तो उसको ना अपनाए, अच्छी को तो अपना ले। अच्छी बताओ, वो भी नहीं अपनाई जाती। कहा जाता है कि हम 24 सेक्टर की रोडे बना रहे, 25 की बना रहे, 6 सेक्टर की बना रहे, रोडे जितनी मर्जी पैसा लगा लो, लेकिन जब तक हमारे यहाँ का सिवरेज सिस्टम ठीक नहीं होगा, जब तक पानी का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा, रोड कोई फायदा नहीं है बनवाने की। या तो सिंपली रोड बनवाओ। अब जिस तो हमारा ये बल्लभगढ़ का नया पुल बना है जो सोने के रास्ते का, आज उस पुल पे जाके देखो, जब पुल बना ही रहे थे, पैसा खर्च ही रहे थे, ज्यादा चौड़ा बनाते, और मेरे ख्याल से 6 महीने हुआ उसकी रोड की हालत देखो चौराहे पे जाके, और इतना मिट्टी इकट्ठी है पुल पे, कोई झाड़ू मार के राजी नहीं है। या तो ऐसा करें जिस तरह 24-25 सेक्टर का कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट उस पुल की मेंटेनेंस लेना चाहे, अपनी होल्डिंग्स लगाना चाहे, उसको दे दो मेंटेनेंस, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर लेगा, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, आपको मेंटेन मिलेगा, वो महीने का 15-20 हजार रुपए खर्च लेगा। सही बात। वो मेंटेनेंस उस इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दो, जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता हो कि ये मेंटेनेंस मैं करता हूं जी,
आप ये पुल दे दो, बीके वो लीलम वाला दे दो, भटकल का दे दो, एवरीबॉडी इज रेडी। वो अपना 3 स्वीपर रख लेंगे या 2 स्वीपर रख देंगे, सुबह और शाम से झाड़ू मारा, सफेदी महीने में एक बार ही कर दी, देखो साफ सुथरा रहेगा। आप बाटा का पुल जाके देखो, आप नीचे सीढ़ी नहीं उतर सकते रेलवे स्टेशन की, क्यों? वहां पे एवरी वहां पे सारे लोग वहां पे पेशाब करते हैं, और आज तक किसी ने नहीं देखा ये चीज। अब ये यहाँ पे पुल तो बना दिया, वो रेड लाइट नहीं लगाई, वो इतना ट्रैफिक जाम होता है कि पूछो मत, बहुत ज्यादा जाम रहता है। हरेक चीज की प्लानिंग हो सकती है चीज बनाने के बाद। आज मैं कंप्यूटर मैंने ले तो लिया, इसमें मैं फीड करूंगा तभी कंप्यूटर से फायदा मिलेगा ना। अब हमने पुल तो बना दिया, उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो छुट्टी। हमारी सरकार हुड्डा सरकार पैसा खर्चने को तैयार है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खर्चने के साथ अगर वो 25,000 करोड़ खर्चता है या 2500 करोड़ खर्चते हैं, उसमें ये देखो रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट तो वही 2500 करोड़ खर्चने के बाद वो जीरो हो जाते हैं एक साल के अंदर ही अंदर, फिर एक प्रोजेक्ट बनता है। अब हमारे कमिश्नर साहब हैं एमसीएफ के, करना चाहते हैं, करेंगे, उन्होंने हमारी एफआईए में आके बोला भी है बिल्कुल करेंगे, मेरे को भी पता यकीन है उनकी बातों से विश्वास हुआ हमें करेंगे, लेकिन करने का रिजल्ट सिर्फ 3 महीने तक अच्छा रहेगा। क्यों? सिवरेज सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वो भी क्या करेंगे बेचारे। इंडस्ट्रीज बनाई जितनी पोल्यूशन वाली इंडस्ट्रीज है उनको 58 में उन्होंने पूरा उसका वो सिस्टम बनवाया है, वो चलता ही नहीं है। मैं वो कह रहा हूँ कि कोई भी काम करो उसका रिजल्ट कम से कम 10 साल तक का अच्छा आना चाहिए। हम लोग सोचते हैं भाई एक साल मेरा हमारा टर्नओवर निकल जाए, किसी तरह निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आने और मैं ये कहूंगा कि जिस तरह यंग लड़के आ रहे हैं आजकल, यंग लड़के अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशंस लेके आ रहे हैं, उनको आगे लाया जाए, उनसे सजेशंस ली जाए, जिस तरह हमारे अब राहुल गांधी है, और उसके विचार सुनो और हमारे अटल वाजपेयी के विचार सुनो, बहुत फर्क है। क्यों? उन्होंने अपने हिसाब से सोच के करा है। वो राहुल गांधी आज की जनरेशन के हिसाब से सोच के करता है, और आज की जनरेशन अपने हाथों से काम नहीं करती, वो अपने दिमाग से काम कर रहे हैं। हमारे टाइम में, हमारे फादर के टाइम में वो सोचते थे मैं अपने हाथों से काम करूंगा ना तो ही काम अच्छा होगा, और आज की जनरेशन सोचती है हम महंगा आदमी रख के उससे क्या आउटपुट ले सकते हैं, अपने दिमाग को चलाएं दूसरी तरफ और उससे आउटपुट ले। फरीदाबाद का तो हम कुछ कर्जा देना भी चाहे नहीं उतार सकते, इतना प्यार और इतना संयोग सबसे दिया सबने। दूसरा, फरीदाबाद को सरकार को उठाने की नई नई स्कीम्स निकालनी चाहिए। अब पहाड़ पड़ा है, पहाड़ को क्या करोगे? बल्कि फरीदाबाद तो इतना चमक सकता है, दिल्ली के बिल्कुल साथ है, आप पहाड़ी को डेवलप करवाओ। ये जंगल जंगल कहां से, जंगल की बातें कर रहे हो, वहां जंगल में पेड़ कहां है, वहां तो सांप है। वहां पे अच्छे 5-स्टार इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल, अपने सरकारी सारे सेक्टर्स वहां पे बनाए, जो बन रहे हैं उनको तोड़ रहे हैं, और जो बने हुए उनको तोड़ रहे हैं। अरे आप फरीदाबाद को बढ़ाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, या घटाना चाह रहे हो? या तो बोल दो कि फरीदाबाद को घटाना है, या तो जब चीज बनती है उस पर बिल्कुल ही वहीं पर रोक लगा दो। हमारे यहाँ एक ये कमी है, जब वो पूर्विया एक पान की दुकान लेके बैठता है ना, जब सारे पूर्विया दुकान लेके बैठ जाते हैं तब आते हैं उनको हटाने, वही हाल है यहाँ का। जब एक चीज बन रही थी तभी रोक दो ना, ताकि दूसरा आदमी कहेगा यहाँ तो बन ही नहीं सकता कुछ। वो सिद्ध आश्रम बना, वहां पे उन्होंने पीएलए जाके मूर्तियां नीचे दबा दी है, और फिर एक भक्त को कहा वहां जाओ खोदो, वहां मूर्तियां मिलेंगी, और सही में मूर्तियां मिलेंगी, मंदिर बन गया, बताओ।